नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धं नमो आरियाणं नमो वायाणं नमो लोई स नमः शमय साराए स्वानुत्या चकास्ते चेष वा वा पेज नंबर तीन सौ कुछ छंद तो जल्दी पढ़ेंगे और कुछ पर रुकेंगे बड़ी सुंदर छंद छह नंबर का छंद, सात नंबर का आठ नौ ज्यो बर से वर्षा समय मेघ अखंडित धार त्यों सदगुरुबानी खिरे जगत जीव हित भक्ति में भी आया है देव ध्वनि कैसी खिलती है मेघ घटा है ना? ज्यों बरसे वर्षा समय मेघ अखंडित धार अखंड देव ध्वनि खिलती है ऐसे त्यों सदगुरु वाणी खिरे जगत जीव हितकार एक प्रयोजन लिया बरसात होने का जगत के जीवों का हित पानी बरसेगा फल फूल होंगे गर्मी शांत होगी आदि आदि है ना ऐसे यहाँ पर सदगुरु के प्रवचन दिव्य ध्वनि उपदेश केवल एक ही प्रसंग से है कि तुम्हारे भव का ताप समन हो मिथ्या का बमन हो रागादिक शांत हो विकल्प शांत हो रत्नत्र हो अब एक लाइन में दियो तुम भगवान बनो भाई इतने सारी बातें बोली तो एक ही बात है भगवान बनो बस नान्य था <laughs> और कोई रास्ता नहीं है जगत के जीवो अल्पकाल में भगवान बनो बस केवल इसलिए देवी ध्वनी तो कहती है मैंने दो बार बोल दिया इतनी जल्दी में तीन तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ कुछ कहना है मुझे कुछ कहना है मैं? रुक भी रहा हूं कहते कहते बरसात तो होती है लेकिन वो पानी क्या करे नींबू उसमें जाके खट्टा हो जाता है गन्ने में जाके मीठा हो जाता है गुरु तो चाहते थे सब भगवान बने भगवान तो चाहते थे सब भगवान बने विश्व में समस्त धर्म संप्रदायों में एक मात्र जैन जिनवाणी जिनवाणी माता ऐसी जैन धर्म ऐसा कर जो मात्र 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 चारों अनुयोग में भी तुझे भगवान बनता हुआ देखना चाहेगा पंडित साहब ने कहा सुनने जैसी बात है हम पानी अजय लोग भी पानी छान कर पीते हैं अजय लोग पानी छान कर पीते हैं लेकिन वे अनुव्रति नहीं है वे शिकार नहीं करते हैं तो भी अनुव्रति नहीं है बिल्कुल उपवास करती है एक महीने के एक साल के तो अभी वे अनुव्रति अणुव्रत भी नहीं है अणुव्रति भी नहीं है ऐसा पानी छान के पी रहे ये बताओ क्या वे जीवों की रक्षा के लिए पानी छान रहे या स्वास्थ्य के लिए आप तो समझ गए ना उनकी तुलना में कम आचरण करने वाला भी भगवान बनने के लक्ष्य करता है तो अणुव्रति है उनके आचरण से भी कम आचरण यह कर रहा है उनके आचरण से भी कम और तो भी भगवान बनना है इसलिए हमारा चरणानियोग कहलाएगा उसका चरणानियोग नहीं कहलाएगा उसके प्रिकॉशन कहलाएंगे वो प्रिकॉशन कर रहा है खाने में पीने में उठने में बैठने में बीमार ना हो जाए हमें इन्फेक्शन ना हो जाए वो भी शुद्ध कपड़े पहन रहा है डॉक्टर होते हैं डॉक्टर और मरीज शुद्ध कपड़े पहनाए जाते हैं बिल्कुल शुद्ध कपड़े के इन्फेक्शन ना हो जाए हमारे शुद्ध कपड़े पहनना अनुव्रत है चरणान योग है क्योंकि इसका एकमात्र लक्ष्य भगवान बनना है मैंने इसलिए तीन लाइन विस्तार करी कि चारों अनुयोग भगवान बनने के लिए यदि भगवान बनने का लक्ष्य नहीं तो फिर चार अनुयोग ही नहीं है जानकारी है केवल जानकारी होना अलग बात है और धर्म रूप प्रवर्तन होना अलग बात बराबर आइए तो भगवान तो चाहते हैं उनकी वाणी घिरती है केवल भगवान बनाने के लिए अब हम क्या करें तुम केवल जानकारियां लेकर के रह जाते हो तुम सुनाना शुरू कर देते हो तुम सुनना शुरू कर देते हो रटना शुरू कर देते हो पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर देते हो जो भी तुम करते हो गलत कहीं नहीं हमें नहीं मालूम लेकिन हाँ लेकिन काय के लिए था बस प्रश्न ये आइए जगत जीव हित कार जगत के जीवों का सबसे बड़ा हित है भगवान बनना बस ठीक आगे देखो चेतन जी तुम जागे बिलो कहो लागी रहे कहाँ माया के कहीं सो, कहीं तुम जाओगे माया रमेगी जहाँ की तहाई माया तुम्हारी ना जाते ना पाते ना बंसे की बेली ना अंसे की झाई इन पर खूब उठाई होना चाहिए तकलीफ तो थो होती थोड़ा अपना पैसा सामने रखो अपना सोना चांदी सामने रखो अपना ये सब जो जो तुमने कमाया है ना पुण्य के उदय का वैभव जैसे तुम कह रहे हो हम तो नहीं मान रहे उसे सामने रखो फिर कहो जाते की पात की प्रभु तू चेतन है तू भगवान है और ये जड़ है तू ज्ञान वाला है और जो इसमें अक्कल नहीं है ज्ञान ही नहीं है ज्ञान ही नहीं है ही नहीं, अक्कल और ज्ञान में थोड़ा फर्क ही समझ लो अंश न वंश ना आगे लेना देना ना पीछे लेने देना कोई काम कुछ नहीं देखो अंतिम लाइन देखो कितनी प्यारी है दासी किए बेनु लातन मारत क्या मतलब इसका दासी किए बेन लातन मारत बहुत बढ़िया बात लिखी है मैं इसका अर्थ समझाऊंगा यदि सीधे पढ़ूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है इसमें जो लिखा है उससे तो मैं ही नहीं समझ पाया था एकदम नौकरानी बनाए बिना लाते मारती है इसका अर्थ क्या समझ में आया नौकरी बनाए बिना लात मारती मैंने नौकरी नहीं बना नौकरानी नहीं बनाओगे तो लाते नहीं मारेंगे नौकरानी बनाने से लाते मारती है नौकरी नौकरानी बनाए बिना तो मैं सीधा मैं सीधा अर्थ करता हूं तुम स्वामी हो कि नौकर हो बहुत शांति सोचो जरा तुम स्वामी हो कि नौकर हो यदि तुम स्वामी हो तो पुण्य की सामग्री तुम्हारी दासी है अब तुम में लाते नहीं मार सकती मैंने तुम्हें चार गति में नहीं घुमा सकती पैसे के लिए तुम अमेरिका दौड़ते हो तो तुम स्वामी नहीं हो दास हो एक पांव इधर है एक पांव हवाई जहाज में दो मीटिंग इधर है चार मीटिंग वहां है दो फैक्ट्री वहां खोल ली चार वहां खोल ली वहां जाना जरूरी है वो रजिस्ट्री है वहां जाना जरूरी है कोर्ट का है कचहरी है तो तुम स्वामी नहीं हो दास हो अब तो समझ में आ गया होगा दासी बनाए बिना लाते मारती है लाते मारती है माने तुझे जगत की ठोकरे खिलाती है फुटबॉल बना के रख देती है तुझे फुटबॉल की तरह केक खाते फिरते हो जरा सुख की आशा वो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो भाव भाग जाएगा जरा वहां ज्यादा पैसा मिलेगा तो भाव भाग जाएगा जहां जरा सा भी इसको पैसा सुख दुख खान पान सब जगह लगा लेना माया माने पुतगल की सामग्री एक शब्द में बोलो बहुत अच्छी यहाँ जो माया शब्द लिखा है ना पांच इंद्री की सुविधाएं बस एक लाइन में कह दिया फिर से क्या बोला है? हमने पांच इंद्री की सुविधाएं कई बार लोग जो शोध वाले भी नहीं होते हैं लेकिन उनको लगता है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे शोध में चल चले लेकिन दिमाग जहां रहता है अरे वहां तो इमरती बनी है अरे वहां तो बालूशाही बनी है अरे एक काम कर दो बालू शाही हमारे लिए सुबह सो यहाँ खा लेंगे नाश्ता क्योंकि वो वहां बढ़िया कुछ बनाता है जो भी कुछ बना रहा दोपहर में वहां चलेंगे जी जी फुटबॉल खा रहे फुटबॉल की तरह ठोकरे खा रहे जी कह रहे जे कमरे में गर्मी है वहां नहीं है प, बताएंगे भी नहीं यहाँ रिपोर्ट कि हमने आपने जो कमरा अलॉट किया था तो हम वहां पहुंच गए बताएंगे भी नहीं यहाँ पूरे बीस दिन तक समझ लो लॉक खाली पड़ा रहा हमारा तो किराया लग गया बीस हजार दस हजार जितना लगना था लेकिन तुम उधर चले गए चुपचाप सुविधा मिलती है हम वहां भाग जाते सुविधाएं मैंने प्रैक्टिकल बता दिया थोड़ा सा मुझे तो कहना है फिर से केवल सुविधाओं में सुख मानने वाला मैंने मिथ्या दृष्टि पर मैं सुख मानने वाला मैंने मिथ्या दृष्टि बहुत जितनी गहराई से मैं सोच रहा नहीं समय भी में भी कम पढ़ रहे हैं और हमारे हम भी खुश हो रहे हैं हमारा बच्चा लंदन पढ़ रहा हम हमारा बच्चा यूएस पढ़ने वहां चला गया ऑस्ट्रेलिया चला गया क्या है तुम दास होगी स्वामी मुझे कह रहे अब आगे समझ में तो तुम तुम चेतन होकर के आनंदमय आनंद मई आनंद था कुल था उसे छोड़कर तुम पैसों के पीछे भिखारी बने फिर रहे हो वो लाते मार रही हो नौकरी होती नौकरी यहाँ पचास लाख का पैकेज मिला थोड़े खुश हुए इतने में उसने लात मारी पचास साठ मिल रही फिर साठ वाले में गए तो पिछहत्तर दिखने लगे पिछहत्तर वाला गया तो सवा सौ करोड़ दिखने लाख दिखने लगे सवा करोड़ दिखने लगा तुम अपने लिए जी रहे हो या उसके लिए जी रहे हो अब तो समझ में आ गया वो इसका अर्थ दासी किए बिन लाता इमारत रचना इंद्री को दासी बना के रखा नहीं मिलेगा तुझे। और नहीं तो वो तुम्हें दास बनाएगा फिर से बोल रहा हूँ क्या तो, तो तुम भगवान बनोगे क्या दास बनोगे तुम इच्छाओं के दास पंडित साहब ने इसकी रचना लिखी बहुत अच्छी इच्छाओं के दास वो सब जग के दास हैं कौन के दास हो गए सब जग के जब हो गया इच्छा के जो दास सब जग के दास हैं जो इच्छा से उदास सब जग उसका दास है इंद्र क्यों पूजा कर रहे हैं सो इंद्र क्यों पूजा कर रहे हैं क्योंकि इच्छा से उदास है तो बहुत मिल जाएंगे बहुत एक व्यक्ति ऐसा हो जो कहीं भी जाके खा लेता हो तो कोई पूछता भी नहीं आपने भोजन किया कि नहीं किया और एक व्यक्ति ऐसा आए जो कहीं नहीं लेता हो अटपेरा ही लेता हो कुएं के पानी का लेता हो तो जितने विद्वानों को पता होगा जितने लोगों को पता होगा सब पूछे कहा भोजन व्यवस्था कुआ को पानी कहाँ जा रहे भैया क्या मतलब निकला जो हर कहीं का नहीं खाता इच्छा का दास नहीं है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है तो इच्छा उसकी दास हो गई और इच्छा जिसकी दासी हो गई सब जगह उसका दास बहुत बढ़िया है दासी किए विन लातन मारत भैया सुख सुविधाओं की गुलामी करोगे मैने भगवान नहीं बनोगे और जो भगवान बनते हैं सुख सुविधाओं की गुलामी नहीं करते बहुत दृष्टान ले लो आप आदिनाथ भगवान से लेके सब आदिनाथ भगवान इच्छा के दास नहीं थे इसलिए तेरह महीने आहार की व्यवस्था नहीं बनी मत बनने अभी भेद कर लेना वो छह आठ सब हिसाब लगा लेना था इच्छा के दास नहीं है तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान जमीन पर सहन कर सकते हैं ये नहीं लगता कि अरे थोड़ा थोड़ा तो इज्जत होने चाहिए इंद्र को इतनी तो व्यवस्था करना ही चाहिए जंगल में कम से कम क्यों हम पत्थर पे सो सूह बता नहीं अब तो समझ में आए फिर से कह रहा हूं सभी लोग बहुत विचार करना अपने बच्चों को और अपने आप को पैसे का दास बनने की संस्कृति मत दो फिर से बोलू अपनों को और अपने बच्चों में पैसे की दास न्याय ने, ने, न्याय नैतिकता का खाओ कोई टेंशन नहीं कम खाओ रूखा खाओ क्यों ना तो ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई करा पाते हुई और आप क्या कह दू आपको जितने लोगों के बच्चे पढ़ने गए मैं नहीं जानता दस परसेंट लोग भी कह सकें हमारा बच्चा हमारा रात को नहीं खाया मंदिर जा रहा है गारंटीज है पूजा पाठ स्वाध्याय कर रहा है सत्संग कर रहा है खान पान का विवेक रख रहा है दस परसेंट लोग भी नहीं कह सकते इसका मतलब नब्बे परसेंट लोग तो और फिर भी हम कहते अब क्या हैं पंडित जी का तो मंदिर नहीं है अरे तो गौ का स्वामी जी के जीवन की सच्ची घटनाएं बॉम्बे में लोगों ने पूछा था कि सब रात्रि में भोजन करें कि नहीं करें शाम को साढ़े सात साढ़े छह बजे पानी की व्यवस्था रखी थी ऑनली जवेरी शांति भाई जवेरी के घर पर पानी की व्यवस्था रखी थी लोग आते हैं दूर दूर से तो पानी पी सकें और गुरुदेव श्री ने आए पानी साम आठे साहब दूर दूर से लोग आते ना तो पानी पीते हैं। रात में पानी रात में पानी पीवे घर खर जैन न थी गुरुदेव <laughs> फिर तो उसमें बहुत चर्चा चली लोगों ने पूछा कि साहब आप तो पानी की बात कर रहे बंबई में तो हम रात्रि भोजन करते हैं हम क्या करें इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है जो इतनी दूर दूर आना जाना पड़ता है कि हम रात को आठ नौ तो बजे दस बजे से पहले घर आ ही नहीं पाते और एक दिन की बात नहीं है रोज की बात है इससे आगे गुरुदेव का उत्तर तो सुनने लायक है गुरुदेव बोले तो आ देश छोड़ी दे अपने गांव चला जा फिर कमाई पुण्य का विश्वास कर गुरुदेव सिंह के उत्तर है पुण्य का विश्वास कर जो पैसा तुझे पुण्य के उधर से यहाँ मिल सकता है उस गांव में भी मिलेगा कहां से मिलेगा हमें नहीं मालूम जोग न जुगती सो पार जोग जुगती सो पार हमें नहीं मालूम पुण्य का उदय वो तो मिलेगा ना नब्बे साल दे चलनी है तो आहार मिला ना गुरुदेव को दास व्यक्ति कभी नहीं सोच पाता ये बात स्वामी सोच पाते हैं हम सुविधाओं के पैसे के पढ़ाई के गुलाम नहीं बने मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति अपना बच्चों को यहाँ वहां पढ़ाता है और फिर यहाँ वहां की नौकरी करा देता है और फिर वहां जाके खान पान बिगड़ता है बहुत तकलीफ होती है इसका मतलब हम दास हैं नौकर बन के जी रहे हैं नौकर बनने का छोटा सा दृष्टान्त तो और देके छुट्टी करता हूं आपने ऐसे नौकर बहुत देखे होंगे गली गली में नई कार खरीद के लाए और सुबह सुबह भगवान का प्रक्षाल छोड़ के गाड़ी का प्रक्षाल कर रहे भाई साहब एक आदमी को दस का नोट पकड़ाओ ना दस का नोट तो बुक कर देगा वो गाड़ी सफाई मोटरसाइकिल स्कूटर सुबह सुबह बढ़िया ऐसे रगड़ के पहुंच रहे मालूम क्या हुआ है तू खुश हो रहा है कि हमने अपनी मोटर गाड़ी चमकाई साइकिल चमकाई तुझे ये नहीं मालूम तू दो पैसे की पोतगल की गाड़ी का गुलाम बन गया चपरासी बन गया तू नौकर बन गया क्यों क्यों बन गया तेरे इतना पाप का उदय क्यों आया कि तुझे दो पैसे की गाड़ी साफ करनी पड़ रही जो काम दस रुपट्टी का आदमी कर सकता था वो तुझे करना पड़ रहा है क्यों करोड़पति होकर के भी इसलिए कि तूने ने तीन लोग के नाच का प्रक्षालन नहीं किया सुबह सुबह उठ करके भगवान का प्रक्षालन करने वालों को कश्मीर नहीं आई होगी अभी आपको जब गाड़ी धोता है ना तो जो टायर लेटरिंग पे पैसे भी निकलता है गटर पैसे भी निकलता है गंदगी पैसे भी निकलता है तू उसे भी धोता है तेरा दुर्भाग्य है अब तो समझ में आया आपको जो तीन लोग के नाच की सेवा नहीं करते हैं उन्हें पुतगल की सेवा को ही समय चला जाता है अब तो समझ में आया नहीं प्रभु भटक मत इस धन के लिए सुविधाओं के लिए तू देश देशांतर और जे पढ़ाई वो पढ़ाई इधर जा उधर जा मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मेरी तो ये भावना है जन्मांतरों में भी एक तो जन्मांतर ना हो और हाँ तो भी मुझे इस, इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई के सिवा दूसरी पढ़ाई ना करना पड़े मैंने अपने घर में हमारे भतीजे को भाई है। और तीसरा है तीन मैं तीसरा मेरे बेटा पढ़ना भाई उसकी भी आप मंगलातन कर रहे हो वहीं जाए क्यों मैंने क्या फर्क पड़ रहा है अपन लिखवा के चले हैं तो पूरे मरते दम तक का पैकेज लेके चले हैं कितनी रोटी होगी कहाँ पैसा हुआ, हुआ अंदा अंदा चले हैं। तो, तो नगद कमाई करो एक समय की कमाई बड़ी क्या दिक्कत है बिल्कुल मेरी यही प्रेरणा रही आज तक मैंने कभी किसी को ये प्रेरणा नहीं की मेरी प्रेरणा में आज तक एक लाइन मैंने अपने हो या और किसी को भी एक ही जगह की प्रेरणा की व्यवस्थित पढ़ाई करा अभी भी यही बात है अब व्यवस्थित ब्रह्मचारी कलंक के समान है पंडित साहब का बहुत कहना है इसलिए मेरी बहुत भावना है व्यवस्थित पढ़ाई करो फिर ब्रह्मचारी लो पांच साल बढ़िया व्यवस्थित रहो ठीक है आगे देखो ऐसी अनिति न कीजे गोसाई देखो क्या लिख रहे हैं ऐसी अनि न कीजे गोसाई गुसाई में चलता रहता है वो समय का फेमस शब्द है अरे ऐसी मत करो क्या तीन लोग के नाथ हो गए तुम क्या कर रहे अभी तुम मेरे घर आओ तुम मेरे घर आओ और मैं कहू चप्पल साफ करो ए तुम हमें क्या समझ रहे अच्छा तो हम तो तुम्हें भगवान समझ रहे तुम चप्पल साफ क्या कर रहे हो छोटे मोटे काम करके और अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस फेमस है सबको फेमस है याद ही होगा छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध मैं भगवान हूं मैं गायक हूं मैं त्रिकाली हूं परमात्मा हूं मैं परमात्मा बनने के लिए जन्मा हूं इससे नीचे सोच इससे नीचे का विजन सोच अपराध है क्या जो करोड़ रुपए का पैकेज ले सकता है वो चपरासी बने कैसा लगता है बोलो बोलो भाई करोड़ रुपए का पैकेज ले सके और उसे चपरासी की कैसी लगेगी फिर से तो सोचो जरा एक बार तो पंडित साहब की इतनी करुणा थी इतनी करुणा से आई बात आ जाती वो तो भिंड के शिविर की बात है शाम का समय था प्रवचन हो रहे थे पंडित साहब इतनी महिमा में डूबे हुए थे भगवान आत्मा के इतनी फिर अचानक उनको एक विकल्प आया अरे रे रे, तू अपने परमा स्वरूप की महिमा नहीं करते अपने परमा स्वरूप को नहीं जानते तुम्हारी जिंदगी पुनतरिया धोने में निकल गई तो आप तो समझ गए कसी नहीं अपन समझ गए <laughs> तुम समझ गए <गया> <laughs> तुम नहीं समझे दिल्ली वाले क्या

मिला आठ नंबर माया छाया एक है घटे बड़े छिन मन इनकी संगति जे लगे ते नहीं क्यों ते नहीं कहू सोखो नाई प्रवचन तो हो गया इसका अभी तक जो इनकी संगति में लगे संगति 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 को तो समझ में आया मैंने क्या बोला है संगति का मतलब होता है संगति पुद्गल के साथ रहोगे तो पुद्गल जैसा परिणाम होगा पापियों के संग रहोगे तो पापियों जैसा परिणाम होगा संगति संगति का संधि विच्छेद क्या है सम गति सम संग। आहा तू पापियों की संगति करेगा तो जीवा खेलने लगे दारू पीने लगेगा भगवान की संगति करेगा तो भगवान की सम गति माने परिणाम इनकी संगति जे लगे ते नहीं कहो सुख नहीं माया छाया एक है वैसे तो जरूरत है नहीं ज्यादा समझाने की फिर भी समझा दे रहे संस्कृत में एक कहानी पढ़ी होगी संस्कृत में एक कहानी पढ़ी होगी वो सुबह सुबह उठा और सूर्योदय हुआ था तो उसकी परछाई बहुत लंबी पड़ी सूर्योदय देखे समय परछाई बहुत लंबी पड़ती और देख कितने बड़े हम और ऐसे हाथ हिला रहा हो मां में भी हाथ देख रहा हो और देख हम कितने मोटे और देख और फिर वो सूरज सिर पे आ गया और हम तो दुबले हो गए चार घंटा में इतने दुबले हो हम कितनी बड़ी थी इतने से वहां तक की छाया आती और ये मर गए शाम हुई शाम तो शाम को परछाई फिर लंबी हो गई अब ठीक रही अपन टेंशन करी ना तो अपनी छाया बढ़ गई टेंशन नहीं करते तो इतनी छाया नहीं बढ़ती टेंशन करना परम धर्म <laughs> तो छाया के चक्कर में रहोगे इस बॉडी के सैडो तो कभी सुखी नहीं हो सकते ये तो घटेगी बढ़ेगी सड़क पर चलती हो सड़क पर गौर से देखना सड़क पर जैसे ही लैंप पोस्ट पीछे जाता जाता है लंबाई बढ़ती जाती है लैंप पोस्ट के नीचे आते परछाई छोटी होती जाती है बताओ ये सुखी कैसे होगा माया छाया एक है माया माने में पैसा अकेला नहीं कह रहा हूं ध्यान रखना मैंने सुविधा कही है टोटर मजी साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया था ग्रस्त अवस्था त्याग कर ग्रस्त अवस्था इसके लिए इस माया शब्द के लिए ग्रस्त अवस्था और पंडित साहब ने इसका अर्थ खोला है ग्रस्त अवस्था माने ग्रस्त जैसी सुविधाओं का त्याग कर मुनि बनना है आपको तो गृहस्थी घर प, पत्नी बच्चों को ही नहीं छोड़ रहे गृहस्थी जैसी सुविधाएं छोड़ो कुछ कह रहा हूं मैं ब्रह्मचर्य लेकर के घर छोड़ देना सरल हो सकता है लेकिन घर जैसी सुविधाएं छोड़ो कुछ कह गए हम हमें तो ऐसी चाहिए हमें तो कूलर चाहिए हमें तो पंखा चाहिए हमें तो डल्लब का गद्दा चाहिए नहीं तो भैया फिर ब्रह्मचारी त्यागी कब हुए फिर से सुविधाओं का त्याग तो यहाँ सुविधाएं लेना सुविधाएं तो घटेंगी बढ़ेगी और मैंने देखा है जिनकी दृष्टि इस पर है कि हमारी अकॉर्डिंग सुविधा मिलनी चाहिए। भी कभी सुखी नहीं मिले जानता हूं उनकी व्यवस्था से वे दुखी रहे परेशान रहे बनी नहीं पाई व्यवस्था खनिया धाना के पंच कल्याण हमने बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल अरेंज किया था कि नहीं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे बहुत दुख लगता है कि उनकी व्यवस्था सही नहीं हो पाए बहुत अच्छी व्यवस्था करी संयोग से उनको आना था दस बजे रात को लेकिन उनकी वो गाड़ी भटक गई रात को डेढ़ आई अब लोग सो गए कर -कार का तो जितने थके आ थे दिन भर सब सो गए अब आए तो कोई देखने वाला कोई रिसीव करने वाला नहीं बचा पर जैसे तैसे किसी को जगाया तो माने लगे ऐसी बहुत भट ठहरा रहे अब वहां प्रॉपर गद्दा नहीं फला नहीं जे नहीं जो भी जान भी ठहरा दिया उसने आखिरकार परेशान होना पड़ा एक काम करो ग्रस्तो जैसी सुविधाओं का विषय में सुख है ये बुद्धि छोड़ो जहाँ मिला ऐसी 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 जगह जगह हुए, हुए। एक कमरा मिला था और ये दस बारह लोग एक ही कमरा में ठहरे थे डॉक्टर साहब उनकी पत्नी बड़े दादा याद है तुम्हें मालूम है तुम्हें तो बच्चे हो तुम जन्म भी नहीं हुआ होगा जब ये दादा सुनाते हमें तो काम करना है कमरे नहीं है तो एक कमरा एक कमरे में ग्यारह लोग सो रहे थे ग्यारह दस ग्यारह बारह लोग कोई बात नहीं मिशन बड़ी चीज है सुविधाएं बड़ी चीज नहीं है सुविधाएं देख रहे होते ना डॉक्टर साहब तो आज तक ये छप्पन जो शिविर कंटिन्यूटी चल रही है वो नहीं चल पाई जैसे हम लोग में से शायद ही कोई होगा छप्पन शिविर में कंटिन्यू आया होगा अरे बहुत गर्मी <laughs> अच्छा ये तो मिशन है ना भैया सुविधाओं वाला कभी सुखी नहीं हो सकता फिर देख लो अच्छी तरह से इनकी संगति संगति का अर्थ कर दिया है आप खुद लगा लेने बाद में पैसा धन वैभव सुविधाएं घटेंगी और बढ़ेंगी और इनसे तुम्हें परेशानी ये आएगी फिर से सुनना जिसको ईगो हार्ट होगा ईगो हर्ट ईगो हर्ट समझ गए हमारे लायक जे है व्यवस्था बहुत अच्छी बात बोलूंगे इस विश्व में मेरे लायक व्यवस्था नहीं है इसलिए सिद्धालय जा रहा हूं <laughs> ये नहीं हमारे नहीं लायक इस विश्व में मेरे लायक व्यवस्था ही नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं इसके लायक हो जाऊं कई बार लोग ऐसे सोचते हैं मैं थोड़ा बड़ा पंडित हो जाऊं ना तो एसी वाला कमरा मिल जाएगा थोड़ा बड़ा थोड़ा प्रभाव हो जाए तो एसी की ट्रेन मिल जाएगी हवाई जहाज रह जाता है अंदर अंदर गुप्त बीच गुप्त बीच पड़ा रह जाता है तो अच्छा भी प्रोडक्शन क्यों बनना चाह रहे हैं वो तीन चीजें देखने के लिए एसी ट्रेन ए सी हवाई जहाज और एसी का कमरा अब समझ प्रकाश जी को बेचारी पड़े अपन तो नहीं ऐसे नहीं स्टैंडर्ड के त्यागी भैया स्टैंडर्ड के त्यागी या त्यागी, त्यागी का स्टैंडर्ड फर्क है स्टैंडर्ड के त्यागी बना त्याग का स्टैंडर्ड मत बनाओ कौन सा सही है तुम समझ लेना <laughs> क्या है? मतलब क्या निकला हमें तो आदिनाथ भगवान दिखाई देते हैं कौन सा स्टैंडर्ड था बता जिसे छोड़ के मुझे इतनी अच्छी लाइन लिखी शुभ चंद्र और भरतहरी की जो कहानी है बारह साल मेहनत करके आखिरकार क्या पैदा करा उन्होंने सोना रसायन <laughs> रसायन <laughs> और फिर लंबी चौड़ी स्टोरी है मुझे नहीं सुनाना है आखिरकार शोभचंद्र भरतहरी शोभचंद्र मुनिराज के पास आए देखो मैंने 12 वर्ष की तपस्या में कितनी बड़ी उपलब्धि की है मैं सोना बना सकता हूं मैं कितना कमा सकता हूं सोना बना के कितने महल बना सकता हूं दुनिया को कितना चमत्कार दिखा सकता हूं मैंने 12 वर्ष का कितना अचीवमेंट मतलब तो खुश थे ना और इन्होंने एक बात कही केवल एक लाइन बड़ी प्यारी लाइन कही भैया यदि सोना ही चाहिए था तो हमने महल काय को छोड़े हमारे महलों में सोने की कमी कहाँ थी लेकिन वो माया माय छाया है ना सोना होने पर भी महल होने पर भी हम घर में नहीं रह पाए रह नहीं पाए निकलना पड़ा अपन दोनों को अब तुम उधर चले गए हम इधर चले गए एक ही लाइन बहुत है सोना के लिए हमने घर नहीं छोड़ा था तो तुमने काय के लिए छोड़ा था बस इसके बाद तो स्टोरी बदल जाती है उन्होंने कहा देखो ये दे, देखो ये देखो ये हो गया पूरा स्वर्ण क्या रखा है इसमें पैरों की धूल से तो भैया हमें भी बता दो ये कला पैरों के नीचे की धूल से सोना का वो पूरा का पूरा स्वर्ण हो जाए वो तो दीक्षा ले लो और हमें क्या कर करना दीक्षा ले लो अपने सामान बना लिया संगति और आखिर का स्वाध्याय अध्ययन करा करा के पूरा का पूरा उन्हें आत्मज्ञानी बना दिए आए समझ में आया ना आगे पढ़ते हैं भैया है। बहुत अच्छा थोड़ा सा अगला छंद है लोक निशो कछु नवा छंद निकालिए लोक निशो कछु ना तो न तेरो ना तो सो कछु ये है लोक को ना तो इसे आत्मा देखोगे तब समझ में आएगा ये छंद नहीं तो मोह में तुम्हें लगाओ जी लगाओ पंडित जी केत जाओ लेकिन पत्नी हमारी है पति हमरो है मोड़ा मोड़ी हमरे हैं अब देखो धर्म की जगह है, धर्म है आखिरकार मोड़ा मोड़ी कर्तव्य तो अपना करना ही पड़ा बे भले ही जूता मारे लेकिन अपन तो निभाने पड़ा दुनिया कहा कहेगी भैया बे गलत हो क्या कहते भाई वो लेकिन माता कभी भी माता नहीं होती भाई देखो अपन तो अपना कर्तव्य करें ये सारी सारी लाइनें तुम तब तक सोचोगे जब तक तुम्हें ध्रुव भगवान आत्मा नहीं देखा जरा उस आत्मा को तो देखो जिसका जन्म ही नहीं हुआ माता आई कहां से पिता आए कहां से पत्नी आई कहां से जिसका शादी नहीं हुई जिस ध्रुव भगवान आत्मा की शादी नहीं हुई जिस ध्रुव आत्मा ने अपने ज्ञान वैभव के सिवा किसी का भोग किया नहीं क्या बोला मैंने क्या बोला क्या बोला भोग का नहीं किया आज तक हाँ आत्मा ने आज तक अपने ज्ञान वैभव के भोग के सिवा एक परमाणु नहीं भोगा जरा इधर देखो अब बोलो काय को नाता काय को नाता बता दू काय का नाता जैसे एक नंबर का ना एक नंबर का व्यवहार न्यहार लौकिक सज्जनता का व्यवहार नहीं एक नंबर नहीं, नहीं। लोकिक जनता का नहीं। एक नंबर नहीं है लौकिक सज्जनता का व्यवहार नहीं लौकिक सज्जनता भी दो बार बोला मैंने भजन दे रहा हूं मैं रेलगाड़ी में गए और कोई महिला बैठी थी माता जी माता जी थोड़ा सड़क गया समझ गया कश लोक व्यवहार का आदर माता जी थोड़ा सड़क गया बैठ गए बैठ के हम अपने में मगन भी अपने में मगन हमने अपना खाया उनने उनका खाया लोग व्यवहार में जितना आदर हो सकता था बहुत अच्छा खान चान बैठना उठना हुआ बाद में हम अपना लेके उतर गए वो अपना लेके उतर गए कितना भी हम माता कहे वो बेटा कहे बोलो उनका सामान लेके उतर सकते हो उतर सकते हो पक्का पक्का ऐसे ही हम एक बोगी में बैठे जब इस बोगी में बैठे तब दूसरी बोगी में बैठी अम्मा मिली <laughs> पिताजी मिले भैया मिले वे भी अपनी अपनी बोगी में बैठे थे लोग व्यवहार का नाता है जी भैया और ठीक है, बेटा, है? अच्छे ठीक। लेकिन सही बताओ इस दुनिया में क्या है तेरा नाता लोग कहने सो कछु ना तो न तेरो सोचो जरा मोह हमको सोचने नहीं देता नहीं पंडित जी बात तो सही है कोई किसी का नहीं और पूरी की पूरी ताकत उसी में लगी मैं दो बार कह चुका हूँ मेरा बस नहीं चल रहा मैं फा, गला फाड़ के बोलूँ इस पर बम पटक के बोलूँ ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ फिर से सुन लो हम कितने ही कितने स्वाध्यायों कितने शुद्धात्मा के प्रेमी हों गुरुदेव के प्रेमी है सब कुछ है लेकिन एक क्षण को भी नहीं सोचते एक क्षण को भी हमारा पूरा उपयोग पूरा वीर पूरी शक्ति उसी में लगी हुई है में लगी हुई है जिनसे तेरों ना तो नहीं कैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे रेलगाड़ी में हमें कोई मतलब नहीं हम अपने मगन भी अपने मगन देखना है आपको पुराण पढ़ के देख लो आदिनाथ भगवान ने अपनी पत्नियों से उतना ही संबंध रखा जितना लोग व्यवहार था उन्हें आहार देने की विधि तक नहीं समझाई थी नैमिनाथ भगवान ने जरत कुमार को और जो भाई लोग थे जिन्होंने पानी पी लिया था अनछना उन्हें ये तक नहीं सिखाया था तुम तो पानी मत पीना अनछना कैसे मगन रहे होंगे सोचो जरा अपने मगन रहे होंगे ऐसा नहीं सोच रहे सुमत प्रकाश जी की इज्जत का क्या होगा सुमत का भैया तो बाजार में खा रहा है सुमत का भैया तो वो शिकार कर रहा है नैमी नाथ परिवार थी ना तो। वो सिकार कर रहा था शिकार करने का त्याग नहीं करा भाई नैमिनाथ भगवान पता किस किस की कहानी सुनना है बोलो प्रथमान योग में किस किस की राम मोक्ष में चले गए लक्ष्मण नीचे चले गए सीता जी स्वर्ग चली गई तीनों संग संग थे कहा नाता? तो? ना तो क्या ये तो बता दो पिताजी नरक चले गए, रावण बेटा मोक्ष चले गए क्या नाता क्या ये तो बता दो मैं बहुत मस्ती से कह रहा हूं सब अपनी अपनी बोगी में एक साथ मिल गए इसलिए लोग व्यवहार का नाता है हम खूब करेंगे लेकिन हम अपने में मगन रहेंगे तुम अपने में मगन रहो हम अपना सामान लेके उतर जाएंगे तो हम अपना सामान लेके उतरोगे अपने असंख्यात प्रदेश अनंत गण अपनी निर्मल पर्याय जैसी भी है हम वो लेके उतर जाएंगे उतरोगे पक्की बात है मजबूरी में उतरोगे उतरोगे तो लेकिन जितना समय मिला था इसके वेदन करने के लिए स्वभाव के वेदन के लिए संचेतन के लिए निर्णय के लिए अनुभव के लिए वो समय तुमने पूरा का पूरा वहां लगा दिया तो क्या कहना है पंडित जी हम नहीं कमाए मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं तुम नहीं कमाने वाले हो ये जानो तो पत्नी बच्चों की पालना नहीं करें अरे ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पत्नी और बच्चों की पालना तुमने एक समय भी किया नहीं है कर सकते नहीं जे जे सुनना है मैं ये झट पलायनवादी हो जाता है ऐसी बातें सुनता झट पलायनवादी तो फिर हम कुछ नहीं करें तुम होते कौन हो करने वाले हो, हो रहा है नियति के बस नियति के बस हो रहा है कर वार नहीं रहे हम अब लोक व्यवहार में पूछोगे चरणानियों की शैली प्रथमानियों की शैली में तो ये हमारा महागौरव है जो हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं आपका महागौरव है जो आपने पिताजी की विरासत संभाली है और आपके पिताजी का महागौरव है जो पूज्य गुरुदेव सिंह की विरासत संभाली और पूज्य गुरुदेव सिंह की सबसे बड़ी महाभाग्यशाली थे वे नियति में उन्हें दिगंबर जैन शासन की ध्वजा फहराने का अवसर मिला प्रभावना करने का अवसर मिला ये तो नियति है करता नहीं हो अंतर किया मैंने ना करता हूं नियति मैं यहां नहीं बैठा होता तो कॉलेज में पढ़ा रहा होता मैं सच कह रहा हूं मुझे कॉलेज में पढ़ाने में बड़ा कष्ट था ईमानदारी से बोल रहा हूं वैसा कष्ट नहीं था पढ़ाना तो मुझे आता था वहां कोई तकलीफ नहीं थी उस मामले में मुझे इस बात का कष्ट होता था मैं रोज के रोज बेईमान पैदा कर रहा हूं मिथ्यात्व की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल झूठी नंबर एक की झूठी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ हालांकि कोई इस पर नाराज हो सकता है लेकिन मैं क्या क्या आया था मैं कॉलेज में क्या क्या आया था हम एल एल बी सिखा करके न्याय नीति करना नहीं सिखाते कैसे लूटें ये सिखा रहे सीए कैसे पंच हो गए ना कौन फरार हो गए माल्या और कौन कौन ये कौन की वजह से हुए ऑडिटर और सीए की वजह से वे आपको एक करोड़ रुपए दे देंगे हमारा ऐसा कागज तैयार कराओ हमें पचास करोड़ मिल जाए पाँच सौ करोड़ मिल जाए मिल गया का, कागज इनने तैयार किए हैं ऑडिटर और इन लोगों ने मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ मैं कह के आया था मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैंने सबके सामने कही थी ये बात और अभी भी सबके सामने कह रहा हूँ मुझे एक दिन भी वो पसंद नहीं आया कि मुझे पता था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ऑडिट ऑडिटिंग एक चैप्टर होता है स्टेटिस्टिक्स पढ़ के देखे कोई कितना फर्जीवाड़ा दिख सिखाया जाता है इसलिए मैं कभी भी बच्चों को प्रेरणा करता हूँ नहीं बेटा मिथ्यात की पढ़ाई नहीं करना है नाराज मत हो ना मैं एम के बहुत खिलाफ हूँ एम देश की गद्दारी सिखाता है अब मैं जानता हूँ ना कहा क्या पढ़ाया जाता है उसके अंदर मैं जानता हूँ इस पर मेरे ऊपर बहुत उदम हो सकता है लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ मैंने प्रूव की है बात अरे रे सच कहता हूँ इस जैन शासन का पाना और इस जिनवाणी का पढ़ना विश्व का सबसे बड़ा भाग है इससे अच्छा कोई काम नहीं रियली कह रहा हूं मैं इसलिए नौकरी छोड़ी नौकरी में तकलीफ कुछ नहीं थी दस साल एक ही कॉलेज में रहा हूँ कैपिटल सिटी में भोपाल में लेकिन मेरा मन नहीं लगता था कि क्या पढ़ा रहे हम जी अब मैं उसकी पेट नहीं खोल रहा हूँ उस पढ़ाई का डॉक्टर साहब बोलते थे क्या करोगे डॉक्टर बन जाओगे प्रसन्न चेहरा तक नहीं मिलेंगे देखा तुमने क्लिनिक में सो वैसे जितने मरीज आते डॉक्टर साहब वकील के पास जितने लोग जाते हैं सकल उतरी हुई भैया जल्दी करा दो भैया बोलो वकील के भाग में दुखी लोग जज के सामने तो रोजाना दुखी पूरी जिंदगी जिनके मुकदमा चल रहे है, उनकी सकल देख के बेचारे कैसे लगते होंगे बोलो कौन सी पढ़ाई ऐसी है जहां पर प्रसन्न लोग मिलते होंगे मुझे बता दो एक ये पढ़ाई ऐसी है जितने स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद में होंगे वही हमारे सामने आएंगे यहाँ डॉक्टर भी आएगा इंजीनियर भी आएगा सीए भी आएगा विदेशी भी आएगा फला भी आएगा जितने लोग हैं ना सब प्रकार के लोग आएंगे और एक आशा से आएंगे हमारे सुख का समाधान मिल जाए हमारी समस्या का समाधान मिल जाए होने समस्या का समाधान मिल जाए इसी का ही नाम तो है विश्वविद्या कुल ग्रह इसलिए नौकरी छोड़ने का एक दिन भी कभी ऐसा नहीं लगा पहले छोड़ दी इतने पैसे मिल जाते कई लोगों ने कहा इतनी साल और कर लो दो चार साल तो पेंशन बन जाएगी मैंने चूल्हे में गई पेंशन उससे पेंशन तो हमें अब मिल रही है कह पेंशन का हार्ट की बात कह रहा हूँ बिल्कुल हार्डली क्यों क्या लिख रहे हैं ये सुनो तो बहुत अच्छे अच्छे छंद बढ़िया हाँ भैया कहा गए हाँ ना तो ना तो छू ना तो नो तो सौ ये है लोक को ना तो ये तो नाम के रस तू परमारथ के रस मातो आह तू भी परमारथ में मस्त रहे अपने परमार्थ शुद्धात्मा में मस्त रहे मस्त रहे जरा कुछ कहना है छोड़ के मस्त नहीं होना ध्यान रखना है अभिया लिट्टी बात बताइए ये करके मस्त हो रही हूँ डॉक्टर साहब करके मस्त हो रहे थे और गुरुदेव अपना साधना करते हुए जैन शासन की ध्वजा फहरा गए ये बिल्कुल पलायन दिमाग में नहीं रखना कि हम घर बार छोड़ दें व्यापार धंधा छोड़ दें कर्तव्य छोड़ दें जिम्मेदारी छोड़ दें और फिर मस्त रहे ये नहीं है ये तो फिर मिथ्यात्व है अरे ते तू ज्ञान का वैव अनादिकाल से भोग रहा है और उसे भोगने से रोक कौन सकता है एक महिला ने मेरे से पूछा था एक प्रश्न कि हम धर्म नहीं कर पा रहे ऐसी ससुराल में है अब लंबी चौड़ी नहीं बता रहा धर्म ही ऐसा है जैसे तुम छोड़ नहीं सकते तुम कह रहे हम धर्म कर नहीं सकते हैं। हम कह रहे धर्म ही ऐसा है जैसे छोड़ नहीं सकते धर्म काय को कहते हैं क्रियाकांड का नाम और मंदिर जाने का नाम हो उसका नाम थोड़ी धर्म है धर्म तो उसका नाम है जो श्वासोच्वास की तरह आत्मा का हिस्सा है कैसे छोड़ दोगे धर्म कैसे छोड़ दो बत्थ साहब धर्मो अपने को क्या देखना कौन छोड़ा लेगा तुम्हें पति सब कुछ कह सकता है आइसक्रीम खाओ बाजार में खाओ ऐसा करो लेकिन देखने से कौन मना कर सकता है कर्म के उदय से भिन्न अपना देखने कौन रोक सकता है? थाली में आलू रख दे रख दे तो रखा रखे रह थाली में खातरी है तुम रखो रेंदे बा रें बार बार बहस मत करो जिनसे जो उलझते हैं धरा कि नहीं साहब देख हाथ है ये कॉल खा लिया कर फिर वॉमिटिंग कर दिया करो है, कहा करें? जो क्या ना ऐसी हमें आलू पचा तो नही है बस खतम अच्छा <laughs> मैं वोमिटिंग कर देना बता देना उसमें क्या रखा है बहुत ही रियल एक धर्म ऐसा है भेद विज्ञान का नाम धर्म है भाई साहब कौन रोक सकता कहाँ रोक सकते मुझे बता देना और इसीलिए अंजना को धर्म होता रहा किताब लेके नहीं गई थी वो सीता किताब लेके नहीं गई थी जितने जितने संकटों में जो जो पड़े हैं ना कोई लेके नहीं गया था जिन जिनका भी कल्याण हुआ जरा जाके देखो इसका नाम है परावलंबी बुद्धि स्वावलंबी बुद्धि रखो मैं ज्ञात हूँ बता कौन रोक सकता है इस कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में आलू डाल दे तो नियम टूट जाए राजा की आज्ञा से कुछ काम करना पड़ता है तो टूट जाता है बिल्कुल सुनना भैया पलायनवाद नहीं करना इसलिए मैंने इतना खुलासा किया है ज्ञान का वेदन करने से कोई रोक सकता एक बात कह ही रहा हूं बीच में अभी भी मैं जानता हूं इनके सही अर्थ नहीं निकालते लोग ऐसे लोग कहने वाले होते हैं हम तो वोट नहीं डालते भैया मोदी गवर्नमेंट को कूचड़ खाना चलाएगी बागो पाप अपाने लगेगा और भैया हम तो ऐसा नहीं गलत एक दृष्टान दिया मैंने ये गलत काम बिल्कुल गलत है ये कह रहा हूं मैं वोट नहीं डालने से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो फिर तुम पैसा भी जमा मत करना बैंक में क्योंकि वहां भी भूचड़खाना खुलेगा फिर तुम नगर निगम के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे जैनी गटर साफ करने का आर्डर देने पड़ेंगे डीडी डी छड़कवानी पड़ेगी फिर तुम न्यायाधीश नहीं बन पाओगे राजा नहीं बन पाओगे चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे जैनी होकर के ये सब नहीं बन पाएगा फिर वो फिर ये जन जन का धर्म भी नहीं बचेगा फिर कोई फॉलो नहीं करेगा क्यों वहां तो प्रशासन की व्यवस्था तो वैसे ही चलेगी और तुमने कह दिया जैनी ये नहीं करेंगे इसका मतलब जैन धर्म सिमटेगा एक गलत लाइन का अर्थ करने से इतना बड़ा नुकसान सुना so सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक भी सम्यक दृष्टि और समाधि कर सकता है कर सकता है क्यों क्योंकि की तरह सरल है हम इसे ट्रेडिशन में नहीं फंसाए बहुत खोल के कह दिए बात ये नहीं करना वो नहीं करना क्यों नहीं करना अरे करता ही नहीं है ये देख तीन चार बार कह चुका हूं पहले क्या घर गृहस्थी का पालन करें या नहीं उत्तर दो बोलो करते ही कहा कर्म के उदय की सामग्री के कर्ता हम तो ना कहेंगे कल पढ़ा था मैंने हम तो ताको करता हम तो ना कहेंगे इतना न्यारा न्यारा ज्ञान ये उदय की सामग्री और मैं ज्ञान हूँ हाँ का भोग कर रहे हैं नाधिकार से हाँ मैं तो अपने ज्ञान में आपका भोग कर रहा हूँ आएगा एक क्षण कल लूंगा देखो आप ठीक है रोकना पड़ेगा अब तो ये अर्थ शब्द पूरा कर देता हूँ एतन तन सो हो गया ना एतन तन सो तन में तन से जड़ चेतन तू तीन सो नीते हाँ तो ये जड़ तो जड़ में तन्मय हो रहा है चेत शरीर तो जड़ में तन्मय हो रहा है और तू निरंतर चेतन इनसे भिन्न है हो सुखी अपनो बल फेरी के तोरी के राग कुत्ता तो मुझे बहुत प्यारा लगता है लाइन तोरे के राग को हो अपनो बल फेरी के को अर्थ करने में तो एक घंटा चाहिए बढ़िया मस्त अर्थ है अपनो बल फेर के मैंने दृष्टि बदल के क्या बदलना है दृष्टि बदल के पकाए को तोड़ दो राग द्वेष को तो। राग विरोध को तांतो तांतो समझती हो हाथ कड़ी नहीं कही भेड़ी नहीं कही सत्तर कोड़ा कोड़ी नहीं कही जड्ड नहीं, नहीं कही तांतो, तांतो माने तंतु रेशम का तंतु जरा ऐसा जाए, ऐसे तो तोड़ना नहीं है टूट ही जाएगा जैसे तू अपने को गाय देखता है वो तांतो टूट गया और इन्होंने उसका तांतो का अर्थ कर दिया सिलसिला एक समय गया एक देखा सिलसिला टूट गया टूट तो गो एक शब्द सुना हुआ। का बुंदेलखंड के शुद्ध शब्द तंत्र का है दम का है तंत है। कम चलती है शब्द भाई हमने सुने जहां बाद में तंत का है दम का है काय में काय में? हम करता है जहां तंत्र का है ज्ञान मात्र तो हो राग विरोध को तांतो अब अर्थ तो पूरा नहीं हुआ शब्द अर्थ ही हुआ है मस्त अर्थ है फिर भी एक लाइन सार में कह देता हूं प्रभु तो गाय का ही है काय को राग और काय को विरोध विरोध माने द्वेष जिनकी वजह से हम धर्म नहीं कर पा रहे काय वो बोल का रहे यहां से बोल का तुम्हारी वजह से हम धर्म कर लेंगे तुम बहुत बढ़िया भाई ए, काय राग कर रहे जैसी तूने ज्ञान मात्र का अनुभव किया ता टूट तो गया न राग रहा न विरोध रहा परिणति में जो गुण सत्ता प्रमाण स्थिति प्रमाण क्या क्या है वो उसकी बात नहीं कर रहे हमारी दृष्टि में से राग और विरोध मिट ही गया हम भी ज्ञान मात्र के वेभव के रसिया और भोगी और तुम सब भी ज्ञान मात्र के भोगी पर रसिया नहीं हो अंतर करके कसी कर रसिया बन जाओ फिर से बोले क्यों तुम्हें ज्ञान मात्र का अनुभव करना है या अनुभव हो रहा है अब हो रहा है। तो फिर मान लो बस मान लो माने रसिया मान लो लेकिन मिथ्या दृष्टि के आ गए इसमें छंद है सारे मिथ्या दृष्टि डाबा डोल फेरा कल पड़ा था पर स्त्री अपनी हो नहीं सकती लेकिन मजा तो ले लो फोकट में मजे ले छूना है नहीं देखना है नहीं मिलना है नहीं पंडित जी बहुत ही रही ये सुंदर रही भैया अरे सुंदर ढोर निगो चला जाएगा द्रव का भोग करता नहीं मिलता नहीं छूता नहीं गुरुदेव श्री फरमाते थे अड़तोज न थी और तो फिर भी नहीं। ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बहुत खराब जब रहेंगो तो राग विरोध को तांतो समझ गए ज्ञान मात्र का वेदन करता हूं तुम सब आवाज नहीं आई पक्का जब परिस्थिति अपनी ही हो सकत ऐसे परद्रव हमारा नहीं हो सकता आगे चलो परद्रव का वेदन हमारा नहीं हो सकता आज तक किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने भी परद्रव का वेदन नहीं किया नहीं नहीं पंडित जी हमने तो सुनी है हां सुनी जरूरत हमने कि जी परद्रव में अपनापन करता है तो अपनापन करता है अपना हुआ नहीं है वहां मानता है वेदन हुआ नहीं है क्या सरल काम है सिद्ध भगवान जैसे अपना वेदन कर रहे हैं वैसा ही प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक जीव द्रव्य सब अपना ही वेदन कर रहे हैं तो वैसा मिथ्या दृष्टि क्यों यदि वेदन कर रहा है अपना तो मानता नहीं मानता नहीं है इसमें शब्द आया था दासी करे बिन लातन खात <laughs> लातन खात बैठ रहा था ना लातों की तुम्हें तो एक अंतिम दर्शन देके छुट्टी कर रहा हूँ तुम तो सड़क पर खड़े हो जाओ और तुम्हें तो जूता खावे के तरीका हम बता दे रहे बहुत सरल है जितनी महिलाएं जा रही हों जब बहुत सुंदर है बोल इतनी बोल बस और फिर देख कैसे गलत है नहीं हम नहीं माना अपनी अपनी नहीं माना अपनी नहीं माना जब तो हमें भी मालूम जी हमारी नहीं हो पाएगी तो बोल का है ढोर ऐसे ही जब तू ज्ञान का ही वेदन करता है तो क्यों बोलता है मैं राग का वेदन करता हूं द्वेष का वेदन करता हूं पुतगल का वेदन करता हूं दुनिया का वेदन करता हूं ढोर चंद एक तरफ आप ढोर के तो वो ऐसी मान्यता को ढोर कह रहे तू तो भगवान है फिर से बोलो फिर से मैं तो ऐसा मन कर रहा कि खूब घोटा हाँ कह का वेदन कर रहे हैं नदी काल से राग का वेदन कौन कौन ने किया है मिथ्या दृष्टि ने भी नहीं किया है लिखा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की राजमल साहब की टीका में एक लगाकर सिद्ध पर्यंत जहां तक जे जीव है जहां जहां जे जीव है वे कुछ बदले ही नहीं है पंडित साहब ने तो ये बात कही यदि मेरा ज्ञान का वेदन नहीं होता और मैं मानता भी नहीं हूं कि ज्ञान का वेदन नहीं हो रहा मैं मान रहा हूं पर का वेदन हो रहा है तो तो सम्यक दृष्टि हो जाती पर के वेदन हो रहा होता पर का वेदन ज्ञान का वेदन नहीं हो रहा होता तो अपन तो मान रहे थे सब तो दृष्टि क्यों कहलाए? का यह है, है और मानता है ज्ञान का वेदन तो तो कर रहा हूं नया वेदन नहीं करना जी नया वेदन खतरनाक है, लोगों का ही हूं इसे स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन हुआ वेदन को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है वेदन करने के नाम पे ऐसे बैठ गए जब बड़ी मुसीबत है जा मैं कबू नहीं हो स्पष्ट कह रहे नहीं हो बिचार भैया ज्यादा समय ले लिए धन सॉरी